नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं रेलवे एलपी का टेक्नीशियन में जो है एक दिन पहले का भी जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है गाइस, तो ज़रूर देखो। और 1500 करंट अफेयर्स है उसको भी देख लो, तो आपको जो भी रेलवे का भी एग्ज़ाम है, एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो या एसएससी, सभी एग्ज़ाम बैंक का, सभी क्वेश्चंस जो आप बैंक के इस बार हुआ है एसबीआई मेंस का, उसमें से बहुत मैक्सिमम मैं बोलूँगा 90-95% क्वेश्चंस जो है इसी में से आता है। तो ज़रूर देख लो, जो भी मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक से मुझे पता चला है, तो ज़रूर देखो, बहुत फ़ायदेमंद है। एंड मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट आप जो है इस बने रहें और जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना। और ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं 8 अगस्त की। उससे पहले देखो, लास्ट वीडियो में पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ इमर्ज एज द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूड कंपनी बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए डेली जो आपका 8 अगस्त का है, इसमें इंडिया एंड विच कंट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज मैत्री 2018 हैज़ बिगन, किसके साथ है, तो ये जो हुआ है आपका दैट इज़ बी थाईलैंड के साथ। चीफ एम करुणानिधि पास्ड अवे एज एक सी एम ऑफ विच स्टेट, एम करुणानिधि जो है वो कौन से स्टेट के एक सी एम थे, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज़ ए तमिलनाडु। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड द प्रैक्टिस कॉल्ड पैसिफिक क्वेस्ट 2018 स्टार्ट हुआ है, नेपाल में, मलेशिया में, पाकिस्तान में या नन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ये नेपाल में स्टार्ट हुआ है। रिसेंटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द पॉलिसी कमीशन फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा। ठीक है, तो 120, 119, 117 या नन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 117। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रिसेंट रिपोर्ट्स हु इज एसोसिएट विद यूका टाइट, रिसेंट रिपोर्ट्स के इसके हैं, यूका टाइट किससे रिलेट करता है, न्यू स्पीसीज है, नॉन मेटल है, न्यू मेटल है या नन है, तो दिस इज अ न्यू मेटल, एक नया टाइप का मेटल है ये। व्हाट डेट हैज़ रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड ऑन नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे कौन सा दिन का सेलिब्रेट होता है, तो ये सेलिब्रेट होता है अगस्त 7। रिसेंटली हु इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो अनाउंस किया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, तो दैट इज़ न्यू दिल्ली, गुड़गांव, पटना या नन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी गुड़गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, तो ये राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड बिजनेस रिलेशन विद कनाडा ड्यू टू इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, जापान, यूएसए, सऊदी अरबिया या नन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरबिया। रिसेंटली बाई होम अ कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल नेम्स BIMS, BIMS एंड PFMS हैज़ बीन लॉन्च्ड, किसने जो है ये BIMS एंड PFMS लॉन्च किया, कौन से मिनिस्ट्री ने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन व्हिच स्टेट हैज़ अ इंटरनेशनल मिंजर फेयर हेल्ड रिसेंटली, कहाँ पे हुआ है ये, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश, असम या नन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हिमाचल प्रदेश में। व्हिच स्टेट हैज़ इनॉग्रेट द वर्ल्ड फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लान, देखो ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा था, ये एकदम रिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, व्हिच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेट बोटल रिफंड स्कीम, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, तो ये जो हुआ है आपका उत्तर प्रदेश ने पे। ठीक है, तो आज का क्विज देख लेते हैं। वेयर इज थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली कंक्लूडेड, कहाँ पे हुआ है, डर्बन, सिंगापुर, लंदन या नन, जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड।